एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन विद्वान संत राजा के नगर में पहुंचे। राजा संत के पास गया और उन्हें अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने संत की बहुत सेवा की। राजा की सेवा से संत बहुत प्रसन्न हुए और जाते समय राजा को एक ताबीज देकर गए और राजा से कहा, जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो इस ताबीज में एक कागज पर मंत्र लिखा है, इसे जरूर पढ़ो, जिसे पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले यह ताबीज मत खोलना। राजा ने संत द्वारा दिए गए ताबीज को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया और छिप गया। उसे गुफा में शत्रु के सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर राजा को लगा कि मैं फंस गया हूँ और सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज खोला और कागज निकला। उस पर लिखा था कि यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज़ आने बंद हो गई। राजा ने गुफा से झांक कर देखा तो सैनिक वहां से काफ़ी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ पहुंचा और उनके प्राण बच गए। इससे सीख मिलती है कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता है। बुरा वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा।